राजा दशरथ सरयू में नदी तो नदी पर श्रवण तो पानी भर रहे हो, राजा दशरथ वो तीर जिस दिशा से आवाज आई उन्हीं दिशा में छोड़ दियो। तीर शरण कुमार ने कलेजे में पार कर तो निकल गयो, पूरे पेट ने फाड़ दियो। शरण कुमार धड़ाम से धरती पर गिर गया, जबरदस्त चीखरी आवाज निकली और मनुष्य री आदमी री चीख सुन राजा दशरथ भागता भागता नदी के किनारे आया। बोले कोई गजब अन्याय हो गयो, शायद कोई बाण आज कोई मनुष्य रे कोई आदमी रे लाग गयो। कन्यार देखे तो खुदरो भाणजो श्रवण कुमार लोई लोयानो एड़ो पड़ियो, थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है। राजा दशरथ सार संभाल ली, बोले महाराज सो अन्याय हो गयो, अनर्थ हो गयो। श्रवण कुमार अपने मामा ने कह रहे हो कि मामा कोई बात नहीं, मारो एक काम कर दीजो, आपरो गुना माफ है। कहीं काम कि मारा माता पिता अंधा है, बिप्यासा बैठा है, और हे मामा मैं मरूं उन्हें चिंता मत करो आप, लेकिन मैंने वचन देओ, हाथ पकड़ लियो, वचन देओ कि जब तक आप मारे माता पिता ने पानी नहीं पिलाओला तब तक मारे शरीर ने अग्नि नहीं दोला। अब राजा दशरथ ऐसा वचन कैसे दे सकते थे, क्योंकि इधर तो मौत आ रही है। बोले तारो इलाज कराऊं, तने बेजी करने ले जाऊं, हॉस्पिटल ले जाऊं, लेकिन नहीं। बोले मामा यदि मारी अधूरी इच्छा में मैं मर गयो तो मारी आत्मा तड़पेला। बोले मामा पहला वचन दे दो। राजा दशरथ श्रवण कुमार ने वचन दे दिया, बोले जा मैं तारे माता पिता ने पानी पिला दू। और राजा दशरथ ने मुंह ना निकलो कि मैं वचन दियो, उसी समय श्रवण कुमार का प्राण उड़ गया। वचन अनुसार राजा दशरथ हाथ में लोटो ले धीरे 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 कावड़ तक पहुंचा। तो पैरों की आवाज हुई तो मां एकदम खुश हो गई, बोली श्रवण तू आ गयो। राजा दशरथ तो जवाब ही नहीं दे सकता, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मैं कहीं कहूं। फिर बोली मां कि बेटा तू श्रवण तू आ गयो। राजा दशरथ फिर भी कुछ नहीं बोली। पिता बोले कि श्रवण है या और कोई, बोल तो सही भाई, तू कौन और है, कोई चल तो आदमी है, कोई मार्गू है तो कह तो दे कौन है। राजा दशरथ ने जब पूछो तो राजा दशरथ बोले कि नहीं मैं श्रवण तो नहीं हूं, पर आज तो मैं श्रवण को काल बन गया। बोले हे बहन थारो भाई इतनो अभागो है कि उन्हीं झार तो थारो बेटो मार दियो। इतनी बात करते ही वे अंधा माँ बाप बोले कि देख राजा तू प्रजापालक है, प्रजारो पालक है, लेकिन आज ते ऐसो न्याय कर दियो ये अंधोरो सहारो लकड़ी तोड़ दी। छह आंखारी रोशनी दो थी पर रोशनी भी थे बुझो दी। जा राजन थारे चार चार संतान है लेकिन अंत समय पुत्र वियोग में जिस प्रकार ये बुढ़ी आत्मा बुढ़े लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, चार संतान होने के बाद में भी पुत्र वियोग में तने भी इन्हीं प्रकार तड़प तड़प कर मरना पड़ा। इतना श्राप दे ना श्रवण की बोली फिर चा बेटा ना श्रवण की बोली कही जे ना श्रवण की चा ओ जी ना श्रवण की बोली कही जे ना श्रवण की चा। मात पिता तो स्वर्ग सिधाया दशरथ ने दिनों बटे साथ मन में बैठा प्यास ओ जी। मात पिता तो स्वर्ग सिधाया दशरथ ने दिनों बटे श्रापी मन में बैठा प्यास। चार पंक्तियां माँ के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। अब सभी लोग विराजमान हो, अपनी अपनी माँ को सोचना क्योंकि माँ माँ है। हिंदी में है, हमारी जो बहनें बैठी है छोटी छोटी उनको याद भी होगा, तो याद है तो ताली बजाना ठीक है। तो ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ।
दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, 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 मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, ओ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई, ओ मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई, ओ मेरे रोने पे मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है, हो सबकी माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। बोली माता सद्गुरुदेव की।